हेलो क्लास फोर्थ बेटा, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में थर्ड चैप्टर का वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं। तो चलिए बेटा, अपनी बुक ओपन करते हैं और देखते हैं चैप्टर थर्ड हमारा कौन सा। तो बेटा, थर्ड चैप्टर हमारा शब्द विचार और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर हम बुक में टिक कराएंगे, तो वीडियो को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द किसे कहते हैं। कोई 10 शब्द लिखिए। तो बेटा, आप इस 10 को 5 कर देंगे, आपको 5 शब्द लिखने होंगे। आंसर देखिए, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, राम, कमल, जल आदि। तो यहाँ पर आपका गाय, राम, कमल, जल है। आप उसमें से एक मेज़ ले लेंगे, मेज़ को भी ऐड कर देंगे, तो ये आपके 5 शब्द हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2nd क्वेश्चन बेटा हमारा है, पद किसे कहते हैं, सोदाहरण बताइए। इसका आंसर है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो यह पद कहलाता है। वाक्य से पृथक रहने पर वह शब्द होता है। तो आपको इसका उदाहरण लेना है। आप शब्द लिखेंगे, पद लिखेंगे, फिर उसके बाद पानी और पद के नीचे मेहमान को पानी पिलाओ, ये आपका हो जाएगा उदाहरण, यानी यहाँ से लेकर के ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं। इसका आंसर है, ये देखिए, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये बेटा, ये चारों के नाम आपको सीरियल वाइज लिखने हैं, यानी ये 3rd आंसर हो गया आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। इसका आंसर है, सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला पर्यायवाची, आपको बस इतना मैटर ही लिखना है, नाम लिखना है। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। फिर आप नंबर 1 लिखेंगे पर्यायवाची, नंबर 2 एकार्थी शब्द, नंबर 3 अनेकार्थी शब्द और नंबर 4 विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से शब्द विकारी होते हैं। इसका आंसर है, विकारी शब्द, ये देखिए विकारी शब्द दिया है, आप यहाँ से लेकर के क्रिया तक नोट करेंगे, ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। इसका आंसर है, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द, ये हो गया आपका आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, निरर्थक शब्दों में किस अवस्था में क्या अर्थ स्पष्ट होते हैं। इसका आंसर है, निरर्थक शब्द, ये देखिए आंसर नंबर 7 यहाँ से लेकर के लगाया जाता है, जैसे चाय वाय, यानी ये फर्स्ट वाली लाइन, ये भी आपको आंसर नंबर 7 में लेनी है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आपका 7 रहेगा, आप इसे ये 7 मत लीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इन दोनों को यहाँ से लेकर के हेडिंग वाइज यहाँ तक आपको करना है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 8। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम V7 यानी वीडियो नंबर 7 में आपको एक्सरसाइज बताएंगे इस चैप्टर की। तो बेटा, तब तक आप कॉपी पर क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ हमने बुक में टिक करा के दिया है। सो बुक से देख के कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।